बैक टू माई चैनल। तो आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि वेडिंग सीजन ऑन हो गया है। एंड आज मैं लेकर आई हूँ मीशो से एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। और हाँ, वेडिंग सीजन भी मीशो पे ना बहुत ज़्यादा ही मतलब कि सेल भी चला हुआ है। तो मैं ना आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट आज लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है एंड थोड़ा सा कॉस्टली भी है, बट बहुत ही प्यारा है। एंड वो है अनारकली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनारकली पीस अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं आज मीशो से एक ऐसा अनारकली पीस लाई हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। वो मैं आपको रिव्यू भी बताऊँगी उसका कि कैसा है क्या है प्रोडक्ट, एंड फिर आपको गेट रेडी विद मी करके भी आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनारकली बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए मीशो से एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसको मतलब देखने के बाद आपका मूड ना बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर लेट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो गाइज, आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ वो प्रोडक्ट ना मीशो से है। एंड वो ना बहुत ही ज़्यादा पता है उसको ना, मैं बहुत दिनों से विशलिस्ट में डाली हुई थी एंड फाइनली वो ना मेरे पास आ गया था प्रोडक्ट। बट ना बहुत ही से मुझे टाइम नहीं मिला था, बीच में मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, उसके बाद मैं इधर उधर जाकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेरे पास वो प्रोडक्ट रखा हुआ था एंड मैंने उसे यूज भी नहीं कराया। तो आप लोगों के साथ वो प्रोडक्ट मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को। गाइस, ये है वो प्रोडक्ट, आप लोग देख सकते हो, ये मुझे मीशो से मिला है। एंड इसका पार्शल जो पैकेज होता है ना, वो अभी मेरे पास नहीं है, बट ये मीशो से है। एंड आप लोग देख सकते हो इसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है, इसमें आएगा आपको पैक करके। एंड इसकी प्राइस की बात करें तो ये ना मुझे 1400 में रिसीव हुआ था। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे कैसा प्रोडक्ट मिला है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड आप लोग उसके बाद आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहले आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा इसका पैकेजिंग। एंड इसके अंदर आपको मिलता है 3 पीस, यानी कि आपको ऊपर फ्रॉक मिल जाएगा एंड बॉटम में आपको पैंट, और उसके बाद आपको बहुत प्यारा सा दुपट्टा मिल जाएगा। तो सबसे पहले दुपट्टे से शुरुआत करते हैं। आप लोग देख सकते हो इसका ये दुपट्टा मुझे रिसीव हुआ है, ये है इसका दुपट्टा, आप लोग देख सकते हो। एंड यह रेड कलर में है पूरा पीस, एंड इसके बॉर्डर में आपको गोल्डन दिख जाएगा। एंड ये है दुपट्टा, आप लोग देख सकते हो, जिसमें कि बहुत सुंदर से कढ़ाई किया हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं इसका दुपट्टा ना बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, एंड देख सकते हो आप लोग इसका दुपट्टा कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। अभी तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको पहन के भी दिखाने वाली हूँ, आप लोग टेंशन मत लो। तो ये दुपट्टा आपको रिसीव होने वाला है। एंड उसके बाद बात करें तो नीचे आपको पैंट मिलेगा, और इसका फैब्रिक की बात करें तो आपको फैब्रिक सैटिन में मिलेगा। एंड ये पैंट आपको रबर है, देख सकते हो आप लोग, एडजस्टेबल है। एंड आपको यहाँ एंकल लेंथ मिलेगा, इसको देख सकते हो आप लोग पैंट। एंड साइज़ की बात करें ना, तो मैंने एस साइज मंगाया था, बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग साइज सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ये देख सकते हो, ये है इसका पैंट जो मुझे रिसीव हुआ है। चलिए फाइनली आपको दिखाते हैं फ्रॉक। गाइस, मुझे ये फ्रॉक रिसीव हुआ, आप लोग देख सकते हैं, ये है रेड कलर का फ्रॉक। एंड ये देखो, ये है फ्रॉक जो कि मुझे रिसीव हुआ है मीशो की तरफ से। एंड आपको यहाँ पर नेक पे ना दिख जाएगा ऐसा, यहाँ पर ये बटन टाइप का दिख जाएगा। एंड ये ऐसे करके नेक है, आप लोग देख सकते हो नेक का डिज़ाइन। और सबसे ब्यूटीफुल इस फ्रॉक का बात करें ना, तो आपको दिख जाएगा बाँह, जो कि बाँह पे कुछ ऐसा करके किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा मस्त सा इस पर वर्क किया हुआ है। एंड ये सारा वर्क ना सीप से किया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड आपको दिख जाएगा,
आपको इसका बांह दिख जाएगा कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, एंड आपको देख जाएगा इसका घेरा। आप लोग देख सकते हो इस फ्रॉक का घेर कितना ज़्यादा अच्छा है। एंड मोड ओवर बात करें ना तो इसमें आपको दिख जाएगा पीछे में ऐसे फीता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसा इसमें ये है फीता जो कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड मोड ओवर बहुत ही ज़्यादा मुझे ये फ्रॉक भी पसंद आया, तो चलिए अभी आप लोग को पहन के भी दिखा देते हैं कि कैसा है। ऐसे तो आपको पता नहीं चल रहा होगा बट तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। सो गाइज़ ये ड्रेस ना पहनने के बाद देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा मस्त इसका फिटिंग है। एंड मैंने इसको ना स्टिच भी नहीं करा था, बस एस साइज़ में आप लोग देख सकते हो कितना गजब का फिटिंग है। एंड इसके ना स्लीव्स पे इतना ज़्यादा अच्छा सा हैवी सा वर्क भी करा हुआ है। एंड ना ये ड्रेस ना न्यूली जो ब्राइडल होते हैं ना उनके लिए बहुत ही मस्त ऑप्शन है। एंड इसका फ्लेयर भी आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा घना है, एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा पीस है, आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। एंड ये ड्रेस तो मेरा फेवरेट हो गया क्योंकि मुझे बहुत ही परफेक्टली फिट भी हो गया एंड बहुत सुंदर भी लग रहा है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। देख लिया कि ड्रेस कैसा था, तो अभी मैंने स्किन केयर कर लिया अपना, तो अब मैं करूँगी मेकअप। तो मेकअप करने के लिए सबसे पहले तो स्किन केयर तो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेकअप उतना ज़्यादा करो या नहीं करो स्किन केयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा मतलब कि कुछ नहीं, अंदर से जो ग्लो आता है ना वो मेकअप भी नहीं ला सकता है। तो इसलिए स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चाहे मेकअप को बहुत ज़्यादा हल्का रखो बट ना स्किन केयर करने से ना, एंड डेली आप लोग अगर अपने रूटीन में स्किन केयर को ऐड करोगे ना तो आपको मेकअप करने का ना कोई उतना ज़रूरत भी नहीं रहने वाला है। तो मैंने स्किन केयर तो कर लिया, अब बस हल्का सा मेकअप करूँगी एंड आप लोग देख सकते हो कि मेरा आउटफिट कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको भी परचेज़ करना है तो आप लोग ख़रीद सकते हो जाकर, एंड मैंने इसका प्राइस वगैरह सारा कुछ बता दिया एंड आप लोग देख भी सकते हो कि एज अ प्राइस मुझे कितना अच्छा प्रोडक्ट मिला है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर। तो स्किन केयर में मैंने रोज़ वाटर को यूज़ कर लिया था, तो अभी बस मैं मॉइस्चराइज़र हल्का सा यूज़ करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, लोग देख सकते हो। एंड ये है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे मेरे हर एक वीडियो में, तो यही मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता भी है, एंड ये ना हर स्किन टाइप के लिए भी सूटेबल है। तो आप लोग हल्का सा पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना, एंड ना ये लुक आप अगर वेडिंग सीजन पे करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, देख सकते हो। सो गाइज आप लोग जो सा भी मॉइस्चराइज़र आप अपने फेस पर यूज़ करते हो उसको आप अच्छे से हल्के हाथों से पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना, एंड देन आपको क्या करना है आपको थोड़ा देर ना रेस्ट करना है, तुरंत तुरंत मेकअप नहीं करना है। मैंने आपको ना ये बात हर अपनी वीडियोज में बता रखी है, तो आप लोग मॉइस्चराइज़र लगा कर ना 2 मिनट आप अपने फेस को रेस्ट दे सकते हो। मॉइस्चराइज़र तो यूज़ कर लिया, मॉइस्चराइज़र के बाद यूज़ करना है आपको फाउंडेशन। तो प्राइमर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, एंड कंसीलर अभी तो मेरे डार्क स्पॉट्स वगैरह या डार्क सर्कल कहीं नहीं है तो मैं कंसीलर भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो सीधा मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है ये फाउंडेशन जो कि मैं इसको भी हमेशा से यूज़ करती हूँ, एंड मैं ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से है, तो आप लोग अपने स्किन टोन के हिसाब से अपने कलर का फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। है तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर से आपको पूरे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, अगर नहीं है तो आप लोग फिंगर टिप्स के हेल्प से भी आप लोग इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो।
अभी आप सबसे पहले करना है हमको आई मेकअप। तो आई मेकअप में ना सबसे पहले ना बेस तैयार करना है। इसके लिए आप जो सा भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हो वो फाउंडेशन आपको लेना है। एंड अपने ना फाउंडेशन यूज करने टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लेना है, वरना बहुत ही ज़्यादा अनइवन लगने वाला है। तो अपने स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लेके एंड इसको ब्लेंड करना है। और उसके बाद क्या करना है आपको ना लेना है यहाँ पर आई शैडो पैलेट। एंड ये आई शैडो पैलेट ना मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें जो आई शैडो ना बहुत अच्छा सा कवरेज भी देते हैं एंड इसमें बहुत प्यारे प्यारे से कलर्स हैं जो कि मेरे फेवरेट भी हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये है मेरा आई शैडो पैलेट एंड आपने हर वीडियो में मेरा ये पैलेट देखा ही होगा। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ कि मैं कौन सा कलर पिक करूँ। फिर मुझे एक आइडिया आता है, मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने कलर मतलब कि आउटफिट के हिसाब से ही यूज़ करा जाए। तो यहाँ पर मैंने ना रेड हॉट कलर का इसमें सेट था तो मैंने वही अभी यूज़ करा है। आप लोग देख सकते हो अपर एरिया लेते हुए पूरे अच्छे से इसमें आई शैडो लगाना है। एक आँखों में तो मेरा आई शैडो लग गया। फिर मैंने सोचा ना कि क्यों ना आज स्मोकी लुक ट्राई किया जाए। तो उसके लिए ना मेरे पास यहाँ पर ब्लैक कलर का शिमर शेड है तो मैंने उसे लिया एंड उसमें ना अच्छे से हल्के से लगा लिया है। एंड अभी दूसरे आँखों में आई शैडो यूज़ कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। आप लोग को ये लुक कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताना। आँखों का भी पूरा लुक मेरा क्रिएट नहीं हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा आई शैडो हो गया है कंप्लीट। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ आई लाइनर। वैसे मेरे पास लिक्विड वाला आई लाइनर है बट उससे लगाते टाइम ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो हो जाता है, हिल जाता है ना, तो बहुत ख़राब हो जाता है। एंड आप लोगों को तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है आई मतलब कि आई लाइनर यूज़ करते वक्त होता है लड़कियों को। तो अभी मैं यहाँ पर विंग शेप का आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो कि स्ट्रेस के साथ बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगेगा। एंड आप लोग देख सकते हो एक आँखों में तो लग गया एंड अभी मुझे दूसरे आँखों में भी लगाना है। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। बस एक ही आंखों में लगा एंड इतना प्यारा सा लग रहा है। एंड आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा आईलाइनर भी हो गया कंप्लीट। और इसको सूखने के बाद अभी मैं यूज़ करूँगी काजल। एंड ये है मेबलिन का काजल जो कि स्मज प्रूफ है एंड 24 आवर्स ये मतलब कि जैसा आप लोग यूज़ करो वैसा ही रहता है। तो अभी मैं ना हल्का सा मतलब कि काजल यूज़ करूँगी एंड इसे ना पूरा स्मज करने वाली हूँ। एंड आप लोग देख सकते हैं अन्ना आज मैं हल्का सा स्मोकी लुक ट्राई करने वाली हूँ इस ड्रेस के साथ जो कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। उसके लिए ना एक ब्रश लेना है पतला सा एंड जहाँ से आप लोग काजल लगाए हो ना उसके नीचे से अपर सॉरी लोअर पार्ट्स को लेते हुए ना अच्छे से उसको स्मज करना है। स्मज करते हुए आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा सा यहाँ पर लुक क्रिएट हो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लगने वाला है। एंड इस आउटफिट के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद मुझे अभी अपने ना आईब्रोज़ को ना सेट करने हैं तो मैं ना आईब्रोज़ नहीं करती हूँ एंड जो करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है बट मैं कभी आईब्रोज़ नहीं बनवाई हूँ। तो पहले ब्रश से सेट कर लेना है एंड उसके बाद ना आईब्रो पेंसिल की हेल्प से ना पूरे आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लेनी है। एंड आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। सबसे अच्छा जब आपका आउटफिट अच्छा हो ना तो आप लोग को ना मिनिमल मेकअप करने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, एकदम से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था ये वाले लुक। एंड उसके बाद ना लिप्स के लिए मुझे सबसे पहले ना यहाँ पर वैसलिन यूज़ कर रही हूँ जिससे ना कि वैसलिन से ना जितने भी डेड स्किन मतलब जो भी हैं वो सारे ना वाइप आउट हो जाए। कपड़े लेकर अच्छे से इसे वाइप आउट कर लेनी है। एंड उसके बाद ना यूज़ करना है आपको लिप लाइनर। तो मैं यहाँ पर ना स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड ना रेड हॉट था जो कि मेरे आउटफिट से बिल्कुल मैच कर रहा था। सबसे पहले आपको लिप लाइनर लेके अंदर इसको अच्छे से ना अंडरलाइन कर लेनी है। एंड आप लोग जो भी शेप चाह रहे हो जैसे प्लम्प लिप चाहते हो तो उस हिसाब से आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। सबसे पहले ना अंडरलाइन कर लिया मैंने एंड उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ लिपस्टिक जो कि मेरे पास है ये रेड कलर का लिपस्टिक। एंड आज मेरा लुक ना फुल रेड कलर होने वाली है। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ना मैं उसके बाद लिपस्टिक के हेल्प से ना पूरे लिप्स को अच्छे से फिल कर लेने वाली हूँ। एंड आप लोग बता सकते हो मुझे कि
मैं कैसे लग रही हूँ, अभी मेरा फुल मेकअप रेडी नहीं हुआ। उसके बाद मुझे करना है यहाँ पर ब्लश, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ यही लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक के थ्रू ही मैं यहाँ पर अभी ब्लश लगाने वाली हूँ, यूज़ करने वाली हूँ। वैसे मेरे आई शैडो पैलेट में ब्रश है, बट ना मैं हमेशा यही हैक यूज़ करती हूँ। उसके बाद ब्रश लेकर ना अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है, एंड ये देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा सा यहाँ पर लुक क्रिएट हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं ब्लश यूज़ करने के बाद ना अब अपने मेकअप को ना सेट करने के लिए ना हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मेरे पैलेट में अवेलेबल। एंड ये वाले हाइलाइटर ना बहुत ही अच्छे से पूरे मेकअप को ना सेट कर देते हैं। तो पूरा मेकअप यूज़ करने के बाद ना आपको हाइलाइटर लगाना ही होगा, अगर मतलब हाइलाइटर लगाने से ना लगता कि हाँ एकदम से फिनिश लुक आपको क्रिएट कर देता है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप लोग देख सकते हो ये हो गया है मेरा मेकअप रेडी, एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। फिर मुझे लग रहा था ना कि कुछ ना कुछ बचा हुआ है, तो मैंने अपने आई शेडो पर ध्यान दिया था, उसमें मेरे पास ना वाइट शिमर शेड में ना एक आई शेडो थे, तो मैंने सोचा ना कि इसको हल्का सा ना आई टिप पर ना लगा लूँ, तो बहुत ही ज़्यादा फिनिश लुक देता है, एंड बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल वाइज लगता है। एंड आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा इसे लगने के बाद ना आई मेकअप मेरा इन्हांस हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हो, इफ़ यू हैव वाइट शिमर शेड आई शेडो देन यू कैन यूज़ दिस। एंड आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पर कुछ ज्वेलरीज ऐड करने वाली हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास है ये चांद वाली। एंड आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे ज़रूर से बताना। ये वाले इयर रिंग्स ना मैंने मतलब कि ऑफलाइन ही लिया था, एंड इसका प्राइस मैं बताना तो आप लोग शॉक हो जाओगे, बस 40 रुपये के ये इयर रिंग्स हैं। एंड गाइज आप लोग ये बता सकते हो कि आप लोग मैंने ये इयर रिंग्स कहाँ से लिया है। तो उसके बाद यूज मैंने किया है ये बिंदी, एंड अगर ट्रेडिशनल वेयर कर रहे हो तो बिंदी नहीं लगाना, तो सारा कुछ फीका पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हो ये बिंदी कितना ज़्यादा सूट कर रहा है। फिर मुझे ख्याल है कि आज क्यों ना हैक अपनाया जाए, क्योंकि मेरे पास नोज रिंग नहीं था ना, तो मैंने इसी बिंदी के थ्रू ना नोज पिन मतलब बना लिया। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप लोग भी ये हैक ज़रूर से ट्राई करना। एंड उसके बाद मैं ना यहाँ पर ब्लैक बिंदी यूज़ करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई लाइनर यहाँ पर लगाया है। ये आई लाइनर ना बहुत ही परफेक्ट लुक दे रहा है, आप लोग देख सकते हो ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप लोग मुझे बताना वो वाली बिंदी अच्छी लग रही थी या ये वाली। एंड ये रहा मेरा फुल मेकअप, एंड अभी मैं अपने बालों को सेट कर लेती हूँ। ये हो गया है मेरा हेयर स्टाइल रेडी, एंड हेयर स्टाइल में मैंने ऐसे ही बालों को रखा, क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे हैं। एंड आप लोग देख सकते हो ये रहा मेरा फुल मेकअप। एंड आप लोगों को मेरा मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड आप लोगों को अच्छा लगे तो ट्राई भी करना। एंड बहुत ही प्यारा सा लुक लग रहा है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड ड्रेस अगर अच्छा हो ना तो पूरा एकदम अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, एंड कॉन्फिडेंस से ही आप लोग ग्लो करते हो। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड अब मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था ये लुक एंड ये आउटफिट भी। तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप लोग मीशो पर जाकर चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग को लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना।